कोविड महामारी की दूसरी लहर का असर हर क्षेत्र पर पड़ा है। कृषि भी इससे अछूती नहीं है। यही वजह है कि फूल बाजारों में गुलाब के दाम आसमान चढ़ गए हैं। एक किलो गुलाब का दाम 800 रुपए किलो तक पहुंच गया है। तीसरी लहर की आशंका और मानसून की बेतरतीब चाल की वजह से भी गुलाब के दाम तेजी से बढ़े हैं। निकट समय में इसमें किसी राहत की संभावना भी कम है। गुजरात में गुलाब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। चरोतर जैसे इलाके में कई किसान गुलाब की खेती में लगे हैं, लेकिन इस बार उनमें मायूसी देखी जा रही है। मानसून ने खेती को चौपट किया है और मांग के बावजूद सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। अक्टूबर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि गुलाब की पूरी फसल तहस नहस हो गई है। अक्टूबर का महीना वैसा था जब किसान कोविड के नुकसान से उबर रहे थे, लेकिन बारिश ने फिर से भारी मुसीबत बढ़ा दी। नुकसान को इस बात से समझा जा सकता है कि दिवाली के समय में जिस खेत से 50 किलो गुलाब के फूल निकलते थे, उसमें से सिर्फ 1 किलो गुलाब ही निकल पाए हैं। रील गांव के जो किसान 50 बीघा जमीन पर गुलाब उगाते थे, उनके लिए आज रोजमर्रा का खर्च चलाने में दिक्कत आ रही है। किसानों ने बताया है कि गुलाब के फूलों की बिक्री साल के 2 महीने सबसे ज्यादा होती है, एक सावन में और दूसरा नवरात्रि में। इन दिनों सीजन में 200 रुपये प्रति किलो गुलाब बिक जाते हैं। इन दोनों महीनों के बाद देश के बड़े बड़े शहरों में गुलाब के दाम 1000 रुपये तक पहुंच गए हैं। बड़ौदा जैसे शहर में गुलाब के फूल स्टोर किए जा रहे हैं, क्योंकि उससे माला बनाकर 100 रुपये में एक बेचा जा रहा है। वहीं गेंदे की माला 50 रुपये में बिकती है। गेंदे का फूल 50 रुपये किलो है तो गुलाब का फूल 500 रुपये से ज़्यादा चल रहा है। गुलाब बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि स्थिति यह हो गई है कि किसी को खुदरा में गुलाब नहीं दिए जा रहे, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ रहा है। पहले ये होता था कि किसी को माला बेच रहे हैं तो उसके साथ गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ देते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। खेती चौपट होने पर खेती में घाटा लगने की वजह से रील गांव के किसान इस बार गुलाब की खेती नहीं करेंगे। इस बार वे कैसे सीर की खेती करेंगे? कोविड महामारी से परेशान किसान अब 1 या 2 साल तक खेती का काम छोड़ना चाहते हैं। किसानों में इस बात का डर समा गया है कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो उनकी खेती और फूलों की बिक्री का क्या होगा। गुलाब की पंखुड़ियां बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए रात को फूल तोड़े जाते हैं और सुबह मंडियों में पहुंचा दिए जाते हैं ताकि पौ फटने तक बिक्री शुरू हो जाए। बाद में फूलों के मुरझाने से रेट गिर जाता है। फूल अगर मंडियों में 4 बजे सुबह तक ना पहुंचे तो दाम गिर जाते हैं। इससे कारोबारियों को भारी नुकसान होता है। इन सभी दिक्कतों के बावजूद कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में गुलाब के दाम गिरेंगे। शादी के सीजन में गुलाब के दाम गिरने की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कारोबारियों और किसानों के लिए शादी ब्याह का सीजन फीका हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।